गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सोलो ट्रिप जा रहा हूँ पवना लेक। शॉर्ट ट्रिप है तो पवना लेक जाने का जो रूट है मैंने सेलेक्ट किया है डायनासोर पार्क लोनावला। डायनासोर पार्क से दूधीवारी खिंड। अभी रिसेंटली मैं दूधीवारी खिंड गया था, कार से गया था, 18 Blue रिसोर्ट में गया था, फैमिली ट्रिप था। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आपका मैं लिंक ऊपर देख सकते हैं आप। तो दूधीवारी खिंड होके मैं जाऊंगा पवना लेक एंड रिटर्न में पवना लेक से हर्षी का रूट लूंगा और हर्षी से हिंजोड़ी होते हुए वापस घर। तो दैट्स अ प्लान। सो दोस्तों, अभी बाइक में लेटेस्ट एडिशन है ये हाइपर राइडर का हैंडल बार राइजर। तो ये ऑलमोस्ट 2 इंच का राइजर है, एडजस्टेबल राइजर है, क्योंकि मेरे हाइट के कारण ये बाइक पे मुझे बैठने के पोस्चर में प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत जल्दी थक जाता था मैं। तो मैंने KTM के ग्रुप में डिस्कशन देखा कि जो एडजस्टेबल राइजर होते हैं दैट्स बेटर। एडजस्टेबल क्यों है? क्योंकि आप यहाँ से एक नट को ढीला करके आप हैंडल को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं आपके पोस्चर के हिसाब से। ये थोड़ा कॉस्टली आता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल राइजर्स। तो इन केस यू आर प्लानिंग फॉर सच राइजर, ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही मैंने इंस्टॉल करवाया है। तो उनको फर्स्ट टाइम ऐसा पता नहीं था, बट यूट्यूब वीडियो में उनको सेज किया ऐसा कैसा करना है, तो उन्होंने करके दिया। सो दोस्तों, इसके साथ ये क्या है कि जब आप ये राइजर बिठाएंगे तो इसके साथ में क्लच केबल आता है, वो क्लच केबल आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टॉक वाला जो क्लच केबल होता है वो छोटा पड़ जाता है। दिस इज वन थिंग। एंड नाउ माय पोस्चर इज आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं स्टैंडिंग भी इजी कर लेता हूँ, पहले थोड़ा झुकना पड़ता था। आई एम 5'10" बाय द वे। ये पता नहीं इसका माउंट शायद थोड़ा ढीला हो गया है, जब से मैंने ये जो कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड है ये मैंने कल ही इंस्टॉल किया है, ये वाला खुद से किया है। आप खुद से कर सकते हैं, मुझे 2.5 घंटे लगे अप्रॉक्स, बट जो छोटे मोटे काम है वो मैं खुद से करता हूँ बाइक पे, जैसे ब्रेक पैड चेंज करना काइंड ऑफ। तो एग्जिस्टिंग जो विंडशील्ड था वो स्टॉक का वो छोटा था, इतना ही साइज़ में आता है वो, और उसके ऊपर प्रॉस्पेक्ट का मैं एक्सटेंडर लगाया था तो वो यहाँ तक था, बट फिर भी हवा बीच में से पास होती थी। तो ये कार्बन रेसिंग का मैंने लिया और इंस्टॉल किया। नाउ इट्स बेटर देन स्टॉक प्लस प्रॉस्पेक्ट का जो एक्सटेंडर आता है वो। तो दिस इज़ लेटेस्ट एडिशन इन माई बाइक। दोस्तों, ये मरवली स्टेशन था, मरवली। तो यहाँ पे मेरा 15-20 मिनट चला गया क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग बंद था। तो अभी रेलवे क्रॉसिंग ओपन हुआ तो अभी वापस स्टार्ट किया मैंने यहाँ से। सो आई एम ड्राइविंग थ्रू दूधीवारी खिंड का, अभी आने का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये एक छोटा सा ओवर ब्रिज है, नीचे से एक्सप्रेसवे है और
ये एक्सप्रेसवे को ऊपर से क्रॉस करने का मलवली स्टेशन के पास से। ये एक्सप्रेसवे को मैं क्रॉस कर गया और अभी डायनासोर पार्क जाने का जो रास्ता है उस पर ज्वाइन करूँगा मैं। GoPro stop। तो दोस्तों जैसे आपने देखा अभी गली गली से घुस के आया मैं घर के सामने से। यहाँ जो लोकल लोगों ने तो उन्होंने बताया रास्ता मुझे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। समटाइम्स गूगल मैप आपको बहुत कंफ्यूज कर देता है। ये माउंट को पता नहीं क्या हो गया आज। मुझे लगता है कल जो मैंने कार्बन रेसिंग का ये एक्सटेंडर लगाया है ये माउंट उसी का पार्ट है एक्चुअली GPS माउंट। तो उसको लगाने में शायद ये एंगल में ज़्यादा ही एंगल बहुत कम रख दिया है इस कारण से ये बार बार नीचे जा रहा है। तो आज तो इसको मैनेज करना पड़ेगा जैसे भी। तो दोस्तों अभी मैंने डायनासोर पार्क वाले रोड को ज्वाइन कर लिया है। सेम रूट हमने फॉलो किया था जब वेट इन ब्लू रिसोर्ट गए थे 2 वीक पहले। इट वाज अ फैमिली ट्रिप। सेम रोड जो है वो दूधीवारे खिंड भी जाता है। और आपको अगर विजापुर फोर्ट जाना है देन आल्सो इट्स अ सेम रूट। एक्चुअली मल्टीपल रूट हैं बट ये वाला मैंने जानबूझ के चुना है क्योंकि ये थोड़ा सीनिक है और एडवेंचरस भी। देखिए दोस्तों ये है डायनासोर पार्क। यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। यहाँ का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक डाल दूँगा आप ऊपर देख सकते हैं। एंड दैट डायनासोर पार्क वाज आल्सो ए फैमिली ट्रिप। हाफ डे आउटिंग के लिए इट्स गुड फॉर योर फैमिली स्पेशली जब आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा हो। अंदर हेलोवीन हाउस भी है जहाँ एक्चुअली में आपको डर लगेगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी भी 360 कैम इंस्टॉल किया फॉर सिनेमैटिक शूट क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं कार से गया था फैमिली के साथ तो दूधीवारे खिंड का जो पैसेज था, खिंड मतलब पैसेज ही होता है बाय द वे, तो वो शानदार था, बहुत ही सीनिक था। उस समय तो मैं 360 कैम से शूट नहीं कर पाया था बट मैं सोचा था यहाँ से आऊँगा ज़रूर एक बार। तो आज वो दिन है मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। सो दोस्तों अभी शूटिंग चालू है 360 कैम से। लेट्स सी हाउ इट गोज। तो देखिए दोस्तों ये जो लेफ़्ट रास्ता जाता है यहाँ से आप विजापुर फोर्ट की तरफ जा सकते हैं। और भी फोर्ट्स आते हैं बीच में। और ये जो पैसेज है दोस्तों ये देखिए, दिस पैसेज इज कॉल्ड दूधीवारे खिंड। कितना शानदार है ये देखिए आप।
तो अभी मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ रील्स बनाए यहाँ पे। शानदार लोकेशन है। तो दोस्तों ये है पवना लेक। पवना लेक के साइड से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अगर मैं कन्वेंशनल रूट से आता तो ये सीनरीज देखने को नहीं मिलते। देखिए दोस्तों ये आ गया है पवना डैम। पवना लेक तो बहुत देर से चल रहा था, जहाँ पे पानी दिख रहा था आपको, ये डैम का एक्चुअली गेट है। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एस वी अंडरस्कोर व्लॉग्स 007। हर वीकेंड मैं अकेले या फिर अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ पुणे लोकल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करता हूं, और एवरी थर्सडे 3 PM को मैं वीडियो अपलोड करता हूं मेरे चैनल पे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पुणे लोकल को एक्सप्लोर करने के लिए विद इन 300 किलोमीटर ऑफ पुणे, प्लीज़ ज्वाइन मी। दोस्तों ये टॉप से देखिए आप पवना लेक का व्यू। मैं इधर से अभी ड्राइव करके गया था, बट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ। देखिए हाउ इट लुक्स पवना लेक।
देखिए दोस्तों पवना लेक। तो दोस्तों मैं ये पवना लेक पे हूँ, ये रोड है बेसिकली, और ये जो सामने आपको बंगलो दिख रहा है ये इसको बोलते हैं लाल बंगलो। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ के यहीं पे ये फेमस स्पॉट पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रपोज पॉइंट। तो यहाँ पे पहले शॉप नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पे पहले लोग रुका करते थे। मैं अभी यहीं पर रुक के टाइम लैप्स शूट किया है। यहाँ पे रीज़न ये है ये बताने का कि ये जो छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट के लिए रुक सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पिया, शानदार कॉफ़ी बनाया था इन्होंने, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे या इन्होंने चेयर्स टेबल ये सब लगाए थे, वहीं पे मैंने टाइम लैप्स शूट किया। अभी यहाँ पे आप बैठ के आराम से चाय की चुस्की का मज़ा लेते हुए पवना लेक का मज़ा ले सकते हैं। सो ये स्पॉट जो है इसको बोलते हैं प्रपोज पॉइंट। इसका लोकेशन मैं डाल दूँगा यहाँ पर, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एनी वे दिस स्पॉट इज़ वेरी फेमस, तो नाम के लिए इसका नाम प्रपोज पॉइंट है। और यहीं पे आप चेयर पे बैठ के आप इनसे चाय कॉफ़ी मैगी कांदा भजी ये सब का मज़े ले सकते हैं। शानदार था ये मेरा ट्रिप, इन्होंने शानदार बना दिया। मैं सोचा नाश्ता करने कहाँ जाऊँगा, तो इन्होंने यहीं पे टाइम लैप्स भी शूट हो रहा था मेरा, और इन्होंने कॉफ़ी भी ला के दे दिया, तो मज़ा आ गया। सो इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ESPN Underscore Vlogs 007। तो दोस्तों ये था पवना लेक, जो स्पॉट में बताया वहाँ पे आप आके चाय नाश्ते का आनंद ले सकते हैं, और पैरेलली पवना लेक के टॉप व्यू का भी मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ हर्षी की तरफ। हर्षी इज़ आल्सो ए फेमस पिकनिक पॉइंट। हर्षी में एक टेंपल भी है जो बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप फैमिली के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। मैं एक बार गया था वहाँ का व्लॉग मैं शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने गेम सेक्शन भी बना रखा है। तो बेसिकली वो वेल डेवलप्ड पिकनिक स्पॉट है, एंड बड़े बुज़ुर्गों के लिए मंदिर भी है। बड़े बुज़ुर्गों के लिए नहीं बोलूँगा, मंदिर सबके लिए है, बट यूजुअली जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो उनका इंक्लाइनेशन ज़्यादा होता है मंदिर की तरफ। तो मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ESPN Underscore Vlogs 007 फॉर पुणे लोकल डेस्टिनेशंस। तो दोस्तों एक बार मैं एम्बेवली से रिटर्न आने के बाद पवना लेक के पीछे के साइड से होते हुए आया था। वो इतना शानदार रोड ट्रिप था, रोड्स भी शानदार थे, और ड्यू टू पवना लेक एंड फॉरेस्ट एरिया इट वाज ऑसम। सो वो व्लॉग भी मैं डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड ऊपर आप देख सकते हैं लिंक मैंने डाल रखा है। सो बेसिकली आप उस रूट से आएंगे तो पवना लेक का पूरा एक राउंड हो जाता है। तो दोस्तों अभी मैं हर्षी की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ, प्लान ये है कि हर्षी जाऊँगा। हर्षी टेंपल आज कवर नहीं करूँगा बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा। हर्षी होते हुए मैं हिंजवड़ी से फिर घर। सो आज का ट्रिप हर्षी में ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों ये एक वाई सेक्शन आया है, यहाँ से राइट लूँगा तो ये जो मैं बताया पवना लेक के पीछे से ये एम्बीवारी की तरफ जाएगा रोड, ये वो है।
और मैं जा रहा हूँ सीधा, क्योंकि मुझे जाना है हर्षी। तो हम हर्षी आ चुके हैं। ये जो सामने आपको ये गेट दिख रहा है, इसको मराठी में कमान बोलते हैं, यहीं से अंदर जाना पड़ता है आपको। तो अभी मैं उधर से आया हूँ, मैं आगे निकल गया था बट यू टर्न लेके आया आपको दिखाने के लिए कि ये हर्षी है। यहाँ पे आप पिकनिक स्पॉट है बेसिकली, अंदर एक टेम्पल भी है, मंदिर भी है, तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे एक इन्होंने केव जैसा बना रखा है, जैसे आर्टिफिशियल केव एक्चुअली, अंदर में हिस्टोरिकल लोगों के और भगवान के बहुत सारे अच्छे अरेंजमेंट है, तो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स ऑसम, ये हाफ डे ट्रिप हो सकता है आपके लिए। सो यहाँ पे मैं पहले जा चुका हूँ, तो यहाँ का डिटेल्स मैं शेयर कर दूँगा, या फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पर तो यहाँ ब्लॉग बनाऊँगा मैं। सो दैट वॉज इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो दोस्तों, ये था आज का ट्रिप। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। मैं हर वीकेंड सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन पुणे लोकल डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करता हूँ, या तो ये सोलो राइड होता है या फिर फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ। एंड एवरी थर्सडे 3 PM उस वीक का वीडियो अपलोड करता हूँ। So if you are interested to explore Pune local destinations within 300 kilometers, you can subscribe me, my channel. आप राइड पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं if you are interested in riding. So पुणे में हमने ऑलमोस्ट सारे destinations को explore कर लिया है, अभी सिर्फ forts and waterfalls बाकी हैं। तो उसके लिए मैं मानसून का वेट कर रहा हूँ, then we'll cover that too. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।